दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम के फिजिकल डेबिट कार्ड के बारे में। अगर आप भी पेटीएम यूजर हैं, आप भी पेटीएम का डेबिट कार्ड इशू कराना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करा सकते हैं, ये सब बताऊंगा आज की मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, डेबिट कार्ड को इशू कराने से पहले कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, वो आपको फॉलो करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी ऐप अपडेट करनी होगी, अगर आपकी ऐप अपडेट नहीं है तो, चाहे आप iOS यूजर हैं या Android यूजर। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड को अपने पेटीएम अकाउंट से लिंक करना होगा। अगर आपने लिंक कर रखा है तो आप इशू डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने लिंक नहीं कर रखा तो आपको पहले आधार कार्ड लिंक करना होगा पेटीएम अकाउंट से। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। आप सिंपली अपनी ऐप को ओपन करेंगे अपडेट करने के बाद, तो आपको नीचे बैंक का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे जाके आप अपने आधार कार्ड की सारी डिटेल वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको KYC कराना होगा। KYC के ऑप्शन पे जब आप टैप करेंगे, तब आपको आपके आसपास जितने भी पेटीएम के एम्प्लॉयज़ होंगे जो KYC करते होंगे, तो आपको वहाँ का एड्रेस आपके सामने आ जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके अपने पेटीएम का KYC करा सकते हैं। KYC एक वेरिफिकेशन होता है, तो आपको अपने फिंगरप्रिंट को अपने आधार कार्ड से वेरीफाई करवाना होगा। तो उसके बाद अगर आप ये करवा लेते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, आप अपने पैन कार्ड को भी वहाँ पे लिंक करा सकते हैं, लेकिन आपका काम सिर्फ आधार कार्ड को लिंक कराने के बाद ही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप ये नहीं कर सकते, तब आपका आधार कार्ड आपके पेटीएम अकाउंट से लिंक नहीं होगा। तो 18 ईयर्स मैंडेटरी है। तो उसके बाद सिंपली आपको अपनी ऐप को ओपन करना है, नीचे बैंक का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर टैप करना है, फिर आपको ये शो होगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, फिर आपको शो होगा डेबिट एंड ATM कार्ड, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जब अंदर जाएंगे तो आपको शो होगा रिक्वेस्ट कार्ड, तो आपको रिक्वेस्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो अंदर जाके आप अपना एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अपना डेबिट कार्ड की डिलीवरी करानी है, तो वहाँ पे आप अपना एड्रेस डालिए। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। आपको मैं बता दूं, ये फ्री नहीं है, आपके 120 यानी 120 रुपए इसके लगेंगे, तो ये फ्री नहीं है। आप उसको प्रोसीड करने के बाद 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका ये डेबिट कार्ड आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा, जो भी आपने वहां पे सबमिट किया है। तो जब आपके पास आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा, उसको एक्टिवेट कराना भी कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिंपल, आप अपनी ऐप के अंदर जाइए, आप फिर से बैंक के ऊपर टैप कीजिए, फिर उसके अंदर आप डेबिट एंड ATM के ऊपर टैप कीजिए, फिर उसके बाद आपको शो होगा एक्टिवेट योर कार्ड। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो डेबिट कार्ड होगा उसके पीछे एक QR कोड होगा, तो आपको उसको अपने फोन से स्कैन करना है। उसके बाद सिंपली पासवर्ड वगैरह लगा के आपको सिंपली वहाँ पे अपना पिन सेट करना है और आपका कार्ड हो जाएगा एक्टिवेट। तो बस आई होप आप समझ गए होंगे कि पेटीएम के डेबिट कार्ड को कैसे इशू कराना है और कैसे उसको एक्टिवेट करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।